नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट HAL की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके। आप सभी को पता होगा कि अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी कि LUH की सभी ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद अभी फॉर्मली इसको लिमिटेड नंबर में आर्मी में शामिल करने का फैसला किया गया था। और अभी इनिशियली 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को आर्मी और एयरफोर्स को 6-6 करके डिलीवर करने का प्लान किया गया। इसके बाद अभी सुनने को मिल रहा है कि अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को HAL की तरफ से वेपनाइज्ड करने का फैसला किया गया। जिस तरीके से पहले एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव हेलीकॉप्टर के एक वेपनाइज्ड वेरिएंट को यानी कि रुद्रा हेलीकॉप्टर को बनाया गया था, ठीक वैसे ही अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी एक वेपनाइज्ड वेरिएंट को बनाने का प्लान किया जा रहा है। अब ऐसा करने के लिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में कई मॉडिफिकेशन करने की प्लानिंग अभी किया जा रहा है, जिसमें अभी इस हेलीकॉप्टर की फ्रंट सेक्शन में एक फॉरवर्ड लुकिंग IRST सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। इसके बाद इसकी फ्रंट सेक्शन में एक टरेट गन को भी इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा इसकी दोनों साइड में पायलन्स को भी ऐड किया जाएगा, जिसमें रॉकेट या फिर एयर टू सरफेस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकेगा। अब ऐसा करने के लिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जो ओरिजिनल एयरफ्रेम है उसमें कई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ने वाली है और इस प्रोग्राम को लेकर अभी एडिशनल डिटेल पब्लिक नहीं किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के इस हेलीकॉप्टर में से हेलिना जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि इन हेलीकॉप्टर को बस एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के अलावा एक लाइट अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर इस्तेमाल करने की क्षमता हमको देने वाला है और इसे ट्रूप्स ट्रांसपोर्टेशन के अलावा आर्म रिकॉनेंस, क्लोज एयर सपोर्ट और एंटी टैंक रोल में हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। HAL का कहना है कि इस हेलीकॉप्टर में भी काफी पोटेंशियल मौजूद है और इसकी 180 ज्यादा ऑर्डर मिलने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि सिर्फ इसकी अनार्म्ड वेरिएंट के लिए होने वाली है, जिसको आगे चल के हमारी सर्विस में शामिल किया जाएगा। और इसके बाद अभी HAL की तरफ से साल में इसकी कम से कम 30 यूनिट को मैन्युफैक्चर करने का प्लान भी किया जा रहा है। अगला अपडेट एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके। आप सभी ने देखा होगा कि अभी हमारी नेवी में INS विक्रांत को इंडक्ट किया गया था, जो कि हमारा पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इसके बाद नेवी हमेशा से एक और तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डिमांड कर रहा था, जिसको लेके पहले से ही काफी डिबेट चल रहा है। अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि नेवी के लिए एक और कैरियर बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, और बनाया जाएगा तो इसकी स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या रखा जाएगा और उस हिसाब से इसके सब सिस्टम को आगे चल के डेवलप किया जाएगा या फिर चेंजेस किया जाएगा। पर कुछ डिफेंस साइड से भी क्लेम कर रहे हैं कि उनको ऐसा पता चला है कि नेवी की प्राइमरी डिजाइन ब्यूरो यानी कि वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो को अभी नेवी की तरफ से 65,000 टन क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए कहा गया। अभी तक ये बात हमने कई बार सुना है कि नेवी अभी 65,000 टन क्लास के कैरियर को बनाना चाहती है, जो कि कैटापल्ट बेस्ड यानी कि कैटोबर सिस्टम बेस्ड कैरियर होने वाला है, लेकिन बीच में फंड्स की इशू होने की वजह से इसके डिस्प्लेसमेंट को कम करने की बात की गई थी और फिर नए कैरियर के बदले INS विक्रांत की सिस्टर वेसल्स को वहां पे इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा था। पर फिलहाल ये अपडेट आ रही है कि नेवी फाइनली वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो को एक कंप्लीट नए डिजाइन की कैरियर को बनाने के लिए कह चुकी है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट 65,000 टन के आसपास होने वाला और इसमें ईमल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। देखा जाए तो फिलहाल हमारे पास ईमल टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को इसको सप्लाई करने का वादा किया गया। और अगर भारत आगे चल के अपनी कैरियर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहेगा तो उसके लिए US की तरफ से भारत को मदद किया जाएगा। और साथ ही नेवी अपनी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर से यानी कि फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर से एवेक्स और UCAB को ऑपरेट करना चाहता और इस वजह से इस एयरक्राफ्ट कैरियर में ईमल सिस्टम होना काफी जरूरी है, वरना कन्वेंशनल स्टोवेयर कैरियर से हम लोग कभी भी एवेक्स को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल जब तक नेवी की तरफ से इस पर कमेंट नहीं किया जाता है, तब तक इस अपडेट के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करना संभव नहीं है, क्योंकि नेवी का जो मेन कंसर्न है वो बजट को लेके होने वाला, क्योंकि नेवी के पास इतना फंड नहीं होता कि वो अपने दम पर ये 65,000 टन क्लास की कैरियर को बना सकता है। और अगर नेवी को सच में एक 65,000 टन के आसपास की एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है तो इसके लिए सबसे पहले PMO ऑफिस की तरफ से उनको फंड्स को सैंक्शन करना काफी जरूरी है। और इसके लिए अभी तक नेवी की तरफ से रिक्वेस्ट किए गए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को भी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया। अगला अपडेट F-16 को लेके, और अभी हम पाकिस्तानी एयरफोर्स की F-16 के बारे में बात करने वाले हैं।
आप सब जानते होंगे कि अभी तक पाकिस्तानी एयरफोर्स में सबसे कैपेबल एयरक्राफ्ट रहा है वो F-16 है, लेकिन अभी पाकिस्तान के जो F-16 है वो काफी पुराने हो चुके हैं, जिसमें से काफी सारे 40 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। और इसमें से मैक्सिमम F-16 इसकी A और V वेरिएंट है, और बस कुछ ही F-16 बचे हुए हैं जो कि इसकी ब्लॉक 52 वर्जन है। लेकिन 2016 में जब पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ऑफर किए गए एडिशनल 8 F-16 को लेने से मना किया गया था, और धीरे धीरे भारत के साथ यूनाइटेड स्टेट का रिलेशन बेहतर होने लगा था, तो धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पाकिस्तान के F-16 को मॉडर्नाइज करने के लिए एडिशनल सपोर्ट पैकेज को ऑफर करना बंद कर दिया गया था। और ये डिसीजन तब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया था, और पाकिस्तानी एयरफोर्स के सभी F-16 के लिए सपोर्ट पैकेज को ब्लॉक कर दिया गया था, जिसे साफ था कि आगे चल के पाकिस्तान मैक्सिमम 2025 तक अपनी F-16 को ऑपरेट कर पाएगा, और उसके बाद इसके जो F-16 रहेंगे वो ग्राउंडेड करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पाकिस्तान को फिर से F-16 के लिए एडिशनल इक्विपमेंट और सपोर्ट पैकेज को सप्लाई करने का फैसला किया गया, और बाइडेन गवर्नमेंट की तरफ से ट्रंप गवर्नमेंट की तरफ से लगे गए सभी डिसीजन को यहां पर रद्द करके फिर से पाकिस्तान को F-16 की स्पेयर पार्ट को सप्लाई करने का फैसला किया गया। अब हालांकि इसको लेके भारत की तरफ से कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्शन नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से यहां पे क्लैरिफाई किया गया कि अभी वो पाकिस्तान को जो सपोर्ट पैकेज को ऑफर करने वाला ये बहुत ही लिमिटेड नंबर में होने वाला है, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 की बेसिक स्पेयर पार्ट्स होने वाले हैं, जिससे पाकिस्तानी एयरफोर्स की F-16 को सर्विस कंडीशन में रखा जा सकेगा और इसमें कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस को रोका जा सकेगा। और यूएस के मुताबिक इनको अभी फ्लाइट उर्दी रखने के लिए ये करना काफी जरूरी था, जिससे भारत को चिंता करने वाली बात नहीं है। और इसके अलावा यूएस की तरफ से ये भी बताया गया कि यूएस की तरफ से अभी कोई नए वेपन्स और बेहतर मिसाइल वगैरह पाकिस्तान को सप्लाई नहीं किया जाएगा, जिससे भारत को खतरा होने वाला है। अगला अपडेट भारत और चाइना की तरफ से। अब भले ही कल भारत और चाइना की तरफ से अपनी रिमेनिंग फ्रैक्शन पॉइंट से ट्रूप्स को पीछे हटाने का फैसला किया गया था, लेकिन चाइना के ऊपर भरोसा करना बेवकूफी वाली बात होने वाली है, क्योंकि ये कभी भी ऐसे हरकत दोबारा कर सकते हैं। अब देखा जाए तो चाइना की तरफ से पहले के मुकाबले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बेहतर बनाया जा चुका है, साथ ही उसको मैच करने की कोशिश भारत की तरफ से भी किया जा रहा है, और चाइना के साथ लगे हुए सभी बॉर्डर एरिया में बेहतर रोड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि जरूरत के वक्त हम तुरंत ही अपने ट्रूप्स को वहां पे मोबिलाइज कर पाएंगे। इस वजह से अभी बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से खास करके अरुणाचल प्रदेश में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है। आर्मी की तरफ से बताया गया कि अभी चाइना से लगे हुए अरुणाचल प्रदेश में जो बॉर्डर एरिया मौजूद है, वहां पे हमारे जितने भी बॉर्डर आउटपोस्ट मौजूद है, उन सभी पोस्ट में अभी हेलीपैड्स को बनाया जाने वाला है। मतलब सभी पोस्ट को रोड से कनेक्ट करने के साथ साथ उन सभी पोस्ट को अभी बाय एयर भी कनेक्ट करने का प्लान किया गया। इसका एक मेजर कारण यह है कि अरुणाचल प्रदेश मेनली पहाड़ी एरिया में मौजूद है, जहां पर कभी भी लैंडस्लाइड होने की वजह से रोड जो है वो ब्लॉक हो सकते हैं, और किसी इमरजेंसी सिचुएशन में बाय रोड जाने में जो टाइम लगेगा उसको रिड्यूस करने के लिए हर एक पोस्ट में यहां पे हेलीपैड्स को बनाने का प्लान किया जा रहा है, ताकि आसानी से वहां पर ट्रूप्स को या लॉजिस्टिक को पहुंचाया जा सकेगा। आर्मी के मुताबिक इस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को अभी काफी हद तक तेज कर दिया गया, और साथ ही लिमिटेड नंबर में अरुणाचल प्रदेश में अभी ऑल टेरेन व्हीकल को भी डिप्लॉय किया जा रहा है, और हर पोस्ट में मौजूद जवानों को निगेटिव मशीन गन के साथ 6.76 राइफल से इक्विप किया जा रहा है, जो कि इंडियन आर्मी के पास मौजूद सबसे बेहतरीन स्मॉल आर्म्स कहे जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।